हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हर हर महादेव, जय गो माता। आज हम आपके सामने अपनी जो रूपल गाय है उसका वीडियो लेके आए हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे ताकि हमारी जो जमुनागिर गौशाला है उस पर हम एक साथ कोई भी वीडियो चैनल में अगर हम डालते हैं तो हम एक साथ 10 से 12 गाय दिखाते हैं। इसलिए आप अंत तक बने रहे, हम आपको अलग अलग गाय का परिचय देते हैं और सब गाय की डिटेल देते हैं। ये गाय अभी 2 से 2.5 महीने में बच्चा देने वाली है, हमारे बोलू बुल से प्रेग्नेंट है और ये एक टाइम का 16 लीटर दूध देने वाली गाय है, मतलब पूरे दिन का 32 लीटर। इसका नाम है बहुत अच्छी गाय है और शानदार और दिखने में बहुत अच्छी है। इसका नाम है रूपल और ये गाय है, देखिए इसकी अडर क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये जब बावला छोड़ती है तब बहुत ही शानदार इसका जो अडर आता है और बहुत ही अच्छी इसकी मेल काफ या फीमेल काफ जो भी हैं बहुत ही अच्छे आते हैं और वेट में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देख सकते हो इसकी हाइट, लंबाई, ये बहुत ही लंबी चौड़ी गाय है। और ये हमारी जमुना और पूनम। पूनम जो के है हमारी, अभी उसका 8वां महीना पूरा हो गया है और 9वां महीना चालू हो गया है और अभी इसको हमने एक टाइम दूध निकालना चालू किया। अभी दूध इसका कम हो गया है, हम इसको छोड़ रहे, दूध ड्राई कर रहे, जैसे भी होता है इतनी जल्दी। इसको हमने टोपला भी बहुत कम कर दिया है ताकि ये जल्दी से जल्दी दूध छोड़ दे। और हमारी जमुना है जो कि अभी भी 6-6 किलो दूध दे रही है और दमाई दूध पी जाता है पूरे का पूरा। इसका कभी कभार हम दूध निकालते हैं और वो भी बाल्टी में रख के दम्मा को पिला देते हैं। और जमुना भी 7 महीने की प्रेग्नेंट है और ये भी हमारे भोलू बुल से प्रेग्नेंट है और जो हमारी पूनम है वो हमारे कुबेर बुल से यानी कि भीला से प्रेग्नेंट है। और हमारे पास भीला के काफ़ी सारे रिज़ल्ट आए हैं, जो हमारे कुबेर बुल है उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। हमारे पास मेल का फीमेल मेल बहुत ही ज़्यादा बछड़ी बछड़े हैं और पूनम और जमुना बहुत ही शान स्वभाव की गाय हैं। आप देख सकते हो पूनम की जो सुंदरता है, वैसे बहुत ही कम गाय इतनी सुंदर होगी। और हम आपको एक अलग गाय दिखाएंगे जो कि 3.5 साल की हो गई है, ये 3.5 साल की और बहुत ही अच्छा इसका फादर था और इसकी मदर भी बहुत अच्छी थी और इसकी मदर की मिल्क कैपेसिटी भी बहुत अच्छी रही। ये मित्रों जब ये 4 साल की या 5 साल की होगी तब ये इतनी हाइट पकड़ेगी एक बेहतर के बाद कि गुजरात में बहुत ही ऐसी कम गाय होगी और ये मिल्क कैपेसिटी में भी बहुत अच्छी रहेगी। इसको देसी गाय बोलते हैं। ये हमारी दोनों कुंडी, जो कि ये हमारी कुंडी है, 21वीं बार बच्चा दिया है और हमारे जो कुबेर बुल हैं उसका बछड़ा आया हुआ बहुत ही शानदार बछड़ा है। और ये जो गाय हैं ये भुवनेश्वरी पीठ की हैं, एक गोंडल से लाए थे हमारे एक मित्र हैं जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, जो बहुत ही उम्र लायक थे चाचा और बहुत ही उनकी अच्छी गौशाला थी। और ये 21वीं बार बच्चा दिया है मित्रों, देखिए गुजरात में सबसे बड़ी गाय उम्र में, जो कि ये कुंडी जो बड़ी है वो आप देख सकते हो। ये गाय इसकी नस देख सकते हो आप दूध की, जिसका मतलब एक हाथ की माफिक दिखने वाली नस है, देखिए आप। और वो जो सामने वो हमारी कुंडी है, उसने भी कुबेर बुल का बछड़ा आया हुआ है और वो भी मिल्क कैपेसिटी में बहुत अच्छी है। अभी उसने दोनों ने मान लो 10-12 दिन ही हुआ है बच्चा दिया वो। और हमारे पास एक फर्स्ट लैक्टेशन की एक बछड़ी है जो आप देख सकते हो, इसकी अडर क्वालिटी बहुत अच्छी, अभी 10 से 12 दिन ले लेगी और बहुत ही अच्छा शानदार इसका जो अडर है वो आया हुआ है। और ये अभी तो मान लो 2.5-3 साल की हुई है आप देख सकते हो और फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा देने वाली है, बहुत ही अच्छे बुल से प्रेग्नेंट भी हैं वो। इसका सर देखिए आप, इसके कान, इसके सींग, इसकी जो लंबाई लेंथ आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी और शानदार बछड़ी बनेगी ये। जब गाय बनेगी ये फर्स्ट लैक्टेशन में बहुत मिल्क कैपेसिटी में अच्छी रहेगी। और एक हमारे पास है भुवनेश्वरी पीठ की जो कपिला, जो कि बहुत अच्छी ब्लड लाइन से हैं, जिसका फादर का नाम था पदम, जो श्री श्री बेंगलोर में जो गौशाला है वहाँ वो मर गया था, बहुत अच्छा बुल था। पदम की हाइट अगर देखी जाए तो गुजरात में बहुत ही ऐसे कम बुल थे। पदम की बछड़ी हैं ये भुवनेश्वरी पीठ की जो कपिला है और ये हमारी जो कपिला दूसरी है, जिसका कलर अलग कलर है और अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है और 8-8 किलो दूध दे रही और बहुत ही हेवी गाय है। देखिए इसकी जो साइज़ है उस साइज़ की आपको बहुत ही कम गाय मिलेगी। और इसके मित्रों जो भी मेल फीमेल का जो भी आते हैं बहुत बड़े आते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव। जय गो माता।